हे इंसान, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं यार। आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर सुपर सुपर। पहले मैं अपना ना कैमरा सेट कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि वाई आई एम सुपर एक्साइटेड, किसी के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और कैमरा सेट हो गया। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो इस वजह से कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ और उसके ऊपर मेरे थोड़े से अच्छे व्यूज आ जाते हैं, और मुझे खासतौर पर जब कॉमेंट आ जाता है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कॉमेंट भी ऐसा कि जिसमें मुझे ये बताया गया हो कि आपकी वीडियो में ये गलती थी, ये अच्छा था, ये बुरा था, तो मुझे अच्छा लगता है। कल की वीडियो में गलती थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखिए, और मुझे इस वीडियो को पॉज करके और उसके बाद वो वीडियो देख के मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी ये गलती थी, फिर ये अगली वीडियो देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ना दबाइए, बिकॉज डिस्टर्ब होंगे आप जब टन टन होगी आपके फोन में। तो गलती ये थी कि एच डी वीडियो के हवाले से मैंने कल बताया था कि आप किस तरह से एच डी वीडियो बना सकते हैं, और मैं पूरी वीडियो में हाई डेफिनेशन को हाई डेफिशिएंसी कहता रहा, इंतहा जहालत की। सीरियसली, जब मुझे उन्होंने मैसेज किया, मतलब फेसबुक पे किसी ने वीडियो देख के मुझे टेक्स्ट किया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना उसको, ये हाई डेफिशिएंसी नहीं है, ये हाई डेफिनेशन है। और फिर मैंने उनसे थैंक यू किया, थैंक यू फॉर द करेक्शन, और मैंने सॉरी भी किया। तो लेकिन देखें, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वॉज क्रिटिसिज्म टू, बट आई डोंट थिंक सो दिस वॉज द क्रिटिसिज्म, दिस वॉज द करेक्शन। क्रिटिसिज्म ये नहीं था। बाकी उन्होंने कहा आपकी वीडियोज अच्छी होती हैं, कीप अप द गुड वर्क और गुड लक यू एंड ऑल, तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, और उसके बाद आपने मुझे बताया कि आपकी ये गलती है, और मैं नेक्स्ट टाइम चीज़ों को ख्याल रखूंगा। मुझे पता था कि इसका मतलब हाई डेफिनेशन होता है, लेकिन पता नहीं बस एट दैट टाइम माइंड से निकल गया या जबान पर आ गया, तो मैं उसको डेफिशिएंसी करता रहा। एनीवेज, आई एम सुपर एक्साइटेड, सुपर 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 डुपर एक्साइटेड। अब पूछेंगे, सोच रहे होंगे कि क्या वजह है? कोई भी नहीं, जिंदगी में लाजमी नहीं है एक्साइटेड होने के लिए कोई वजह हो। देखिए, जिंदगी एक फिनोमेना है हमारे यहाँ जो है ना, हम बिना बैठे बैठे बिना बात के बोर हो जाते हैं, बैठे बैठे बिना बात के हमारा मूड बन जाता है। और आजकल तो लाइफ में इतनी टेंशन, इतनी परेशानियां, इतने मिसाइल हो गए हैं कि हम हंसना ही भूल गए हैं, शायद वाकई हंसना भूल गए हैं। या तो हम मतलब, एक तो ना लाइफ बहुत मटेरियलिस्टिक हो गई, आप ऑफिस में हैं तो जो ऑफिस का डेकोरम है, ऑफिस में हंसो नहीं, बात नहीं करो। और फिर दूसरा, हम सब लोग इंक्लूडेड मी, हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए, हम इतने सुपरफिशियल हो गए कि हम लोगों का सिर्फ अपीयरेंस देखते हैं। अगर एक बंदा सीरियस है, बड़ा नाइस बिहेव कर रहा है, सूटेड बुटेड है, तो हमें लगेगा यार बड़ा एरोगेंट बंदा होगा, बड़ा तमीज़ वाला होगा। ये नहीं पता, अंदर से हो सकता है पता नहीं कैसा हो भाई, सूट पहन के भी उसने क्या कर रहा हो। और कुछ लोग शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी होती है, और हम कहते हैं यार इसको तमीज भी नहीं होगी बात करने की, बट ही और शी इज वेरी वेरी नाइस, विल बिहेव। तो देखें, पहले तो सुपरफिशियल होना छोड़ दें। और कपड़ों पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं सोच रहा था मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह के, एक बात करने लगा था, लेकिन उस बात से पहले मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो ही बना लेता हूं पूरी, कि किस तरह की पर्सनालिटी पे किस तरह के कपड़े सूट करते हैं, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, किसको कौन सा कलर सूट करता है, इस पर मैं अगली वीडियो बनाता हूं, ठीक है? उस वो आप लाजमी देखिएगा। लेकिन फिलहाल ये बता रहा हूं कि सुपर एक्साइटेड हम, पता है, रूटीन में बोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी एक ही रूटीन चल रही होती है, एक ही रूटीन, लाइक आप 9 to 5 जॉब पे जा रहे हैं, 5 बजे के बाद आप घर आ रहे हैं, घर पर आके आप जो है मोबाइल यूज कर लिया या लैपटॉप यूज कर लिया या टीवी लगाकर बैठ गए, तो आपकी एक ही रूटीन, तो आप बोर हो जाते हैं। बेसिकली ये मेरे माइंड में चीज था भाई, जब मैं कल शॉपिंग पे गया, लिया तो मैंने कुछ भी नहीं, क्योंकि जो चीज मुझे अच्छी लग रही थी वो मुझे लगा कि वो वहीं पर ही अच्छी लग रही है, वो मुझ पे अच्छी नहीं लगेगी, और जो चीज मुझ पे अच्छी लगनी थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, और कुछ चीजों के बजट इतना हाई था मतलब कि वो बहुत एक्सपेंसिव चीजें हुई हुई थी, तो फिर मैंने नहीं खरीदे, मैंने कहा यार नहीं। दूसरा, मैं बहुत सारी शॉपिंग इस वजह से भी नहीं कर पाता, लाइक जैकेट्स लेनी हो या कुछ जीन्स वीन्स खरीदनी हो, क्योंकि मैं सारा दिन ऑफिस में होता हूँ, 8 घंटे मेरे यहाँ गुजर जाते हैं, तो मैंने कोट पहनना होता है, सूट पहनना होता है, तो फिर मैं किस टाइम पहनूं? घर जाके बंदा कैजुअल्स में होता है, आप जो भी लाउंज पैंट्स और ट्राउजर्स वगैरह पहन के फिरते हैं। तो खैर, मैं कल जब वहाँ पर था, तो उसके बाद जब मैं वापस आया, तो पिछले ना 8-10 दिन से मैं बहुत एग्जॉस्ट हुआ हुआ था, मेरा बिल्कुल कुछ करने को दिल नहीं चाह रहा था, मुझे लग रहा था यार जिंदगी तो तबाह हो गई है कसम से, ये क्या चल रहा है भाई लाइफ में, बोर ही बोर। घर जाता था, घर जाके चुप करके बैठ जाता था, अम्मा के साथ मैं और मेरी मदर रहते हैं इस्लामाबाद में, दोनों होते हैं बस, तो मैं बैठ जाता तो चुप करके, मैं कब तक ऑफिस की बातें बता सकता हूँ कि मतलब ऑफिस में आज ये हुआ ये हुआ ये हुआ, मतलब माय मॉम इज लीस्ट कंसर्न अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग अराउंड मी इन द ऑफिस, तो उन्हें क्या पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सुन लेती थी हाँ ओके ये वो, तो उसके बाद मैं भी कभी बता दिया कभी नहीं बताया, तो लाइफ बहुत बोर हो गई थी। कल जब मैं बाहर गया, बहुत सारी चीज़ें देखी मैंने, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों का मुझे शौक है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत सारी चीज़ें देखी, अम्मा ने कुछ चीज़ें वीज़ें अपनी शॉपिंग, उन्होंने कुछ चीज़ें खरीदी, तो उनके साथ साथ फिरता रहा।
तो उसके बाद मैं घर आया तो मैंने सोचा कि लाइक अभी और पिक्चर्स भी बहुत अच्छी अच्छी बनाई, और वो पिक्चर्स अगर आपने नहीं देखी तो गो टू माई इंस्टाग्राम, जाकर मेरी पिक्चर्स देखिए, काशिफ रजा ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो अकाउंट है तो आप उसको जाके देखिए। और तो वापस आया तो पिक्चर्स हम देखते रहे, आधा घंटा बैठे, पौना घंटा, उनको एडिट वेडिट किया, ये वो, अम्मा ने अपने फोन में देखती नहीं पिक्चर्स, फिर हम डिस्कस करते, हम जो शॉपिंग करके आए उसको देखते रहे काफी देर, कि अच्छा ये है, ये खरीदा, अच्छा वो वाली चीज इतनी अच्छी थी, वो वाला गैजेट कितना मजे का था, मैं बता रहा था, अच्छा वो जो एलईडी हमने देखी थी उसके कलर इतने अच्छे थे, तो हम 2-3 घंटे इसी डिस्कशन में लगे रहे, उसके बाद हम सो गए। ठीक है, जहां जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया हम उसके हवाले से बात करते रहे कि खाना बड़ा अच्छा था, अच्छा ये चीज अच्छी थी, अच्छा हम ये भी ट्राई करते तो बेहतर होता। तो देखें क्या हुआ कि रूटीन की लाइफ से हमने 2-3 घंटे स्पेयर करके हमने अलग से कुछ और बातें की लोगों को, लोगों के बारे में, कि वो लोग वहां पर जो वो फैमिली आई थी वो ये उन्होंने खाना मंगवाया हुआ था, अच्छा उनके साथ जो बच्चा था वो कितना क्यूट था, मतलब इस तरह की चीजें हम करते रहे 2-3 घंटे। अब आज भी जाएंगे तो हो सकता है कि अम्मा वही शॉपिंग निकाल के बैठी हूँ, ठीक है, कि अच्छा ये देखो ये मैंने आज इसको ट्राई किया तो ये ऐसा था, ये चीज ना, मतलब ये चीजें। तो उससे मुझे आइडिया कि आपको लाइफ में कुछ नया चाहिए होता है करने के लिए, बहुत सारे लोगों को पता होगी ये चीज, मुझे अब पता लगी है, शायद मुझे पहले भी पता थी लेकिन मैं बाहर निकलता था, लेकिन पिछले 10-15 दिनों से बाहर निकल नहीं पा रहा था मैं, तो शायद मुझे तब रियलाइज हुआ कि मैं शायद बाहर निकल नहीं पा रहा, तो इस वजह से चीज खराब हो रही। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई बाहर निकलो, लोगों से नहीं मिलो, अपने आप के साथ चले जाओ। कभी ऐसा हुआ है कि अपने आप को लेकर गए हो खाने पर, अपने आप को शॉपिंग पर लेकर चले गए हो, अपने आप के साथ फिर रहे हो? पता है जब हम अपने आप को टाइम नहीं दे पाते ना, तो तब हम फिर बोर हो जाते हैं जिंदगी में। तो द बॉटम लाइन ऑफ टुडेज वीडियो इज कि अपने आप को टाइम दें, अपने आप को अगर आप टाइम देंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। मैं पहले अपने आप को बहुत टाइम देता था, मुझे इतना अच्छा लगता है रात को अपने बेड पर लेटे हुए, ब्लैंकेट आपने लिया हुआ, हैंड्स भी लगाए हुए मेरे, मैं कभी आपको अपना रूम दिखाऊंगा, एक तो मैं अपने घर का सारा इंटीरियर मैंने खुद किया है, इवन के जो दीवारों पर पेंट हुआ है वो भी मैंने खुद किया है, ठीक है, वो मैं उस पर वीडियोज बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने घर के लुक चेंज कर सकते हैं। हम लोग पता है घर में बोर क्यों हो जाते हैं, देखिए घर लोगों से होता है, ठीक है, मकान और घर में फर्क होता है, हम घर में बोर इस वजह से हो जाते हैं कि हम एक ही चीजें देख देख के थक जाते हैं, तो अपने घर की सेटिंग्स चेंज करते रहा करें। आपको पता है खवातीन को आदत होती है घर की सेटिंग्स चेंज करने की, और मर्द अक्सर इस पे नॉय होते हैं, क्या हर रोज तुमने सेटिंग बदली होती है, वो उस वजह से कि खवातीन सारा दिन उस घर में रहती हैं, हम मर्द तो बाहर निकलते हैं, जॉब करते हैं, लोगों से मिलते हैं, खवातीन उस घर में रहती हैं, वो बोर हो जाती हैं, तो वो फिर अपने घर को तब्दील करती रहती है, और तब्दीली बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर मुल्क में भी तब्दीली आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एनीवेज यार मैं आई एम टू टॉकेटिव, मैं बहुत बोलता हूँ, और मेरी वीडियोज़ ना, या मेरी भाभी मुझे अक्सर कह रही होती हैं कि भाई तुम क्या करते हो अपनी वीडियोज़ में, क्या क्या करते हो, मतलब तुम्हारी 8-8, 9-9 मिनट्स की, 6-6 मिनट्स की वीडियोज़ होती हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। यार देखो अगर 10 मिनट की वीडियो में अगर एक बात भी अगर अच्छी आ गई, या 1 मिनट के लिए भी कोई अच्छी बात कर दी, तो भला हो गया ना यार बहुत सारे लोगों का। मतलब अब देखो मैंने आज की जो वीडियो में चीज़ बताई कि जिंदगी में बोर नहीं होना, बोर ना होने का तरीका यह है कि आप अपनी रूटीन की लाइफ से हटें, रूटीन की लाइफ से निकलें, और थोड़ी देर के लिए अपने आप को टाइम दें। अपनी फैमिली को टाइम तो आप दे देते हैं अक्सर, लेकिन अपने आप को भी टाइम नहीं दे रहे होते। अपनी चीज़ों के बारे में सोचें, मैं थक गया था, मैं सुबह 6 बजे उठता था, 7 बजे ऑफिस आता था, और पिछले 10 दिन से मैंने ऑफिस में भी, मतलब मुझे लगता था कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन आज आई एम फीलिंग लाइक आई एम हैप्पी। 1 घंटा एक्स्ट्रा भी काम करना पड़ेगा तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ब्रेक बहुत ज़रूरी है। ड्रामे में ब्रेक आता है ना, वो तो एडवर्टाइजिंग के लिए आता है, लेकिन जिंदगी में भी ब्रेक जरूरी है जनाब। तो डू कमेंट, डू लाइक, और अगर आप चाहते हैं मैं कोई और वीडियोज़ भी बनाऊँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। एंड बाय।